उपमंडल हमीरपुर का बाल विज्ञान सम्मेलन मंगलवार को ऑनलाइन शुरू हो गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक संजय ठाकुर ने ऑनलाइन किया। इस बाल विज्ञान सम्मेलन में हमीरपुर उपमंडल के 524 छात्र छठी से बारहवीं कक्षा के ऑनलाइन भाग ले रहे हैं। विभिन्न गतिविधियों में ये छात्र दो दिन तक अपने वैज्ञानिक सोच को बताएंगे। इसमें विज्ञान प्रश्नोत्तरी 5 कैटेगरी में होगी, जबकि साइंस एक्टिविटी कॉर्नर 5 कैटेगरी में होगा। मैथमेटिक्स ओलंपियाड 3 कैटेगरी में और इनोवेटिव साइंस मॉडल में छात्र 1 कैटेगरी में भाग लेंगे। विभिन्न गतिविधियों में प्रथम व द्वितीय स्थान रहने वाले छात्रों को जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिलेगा, जो कि 8 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। हमीरपुर का जिला बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन जो है वो ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें हमीरपुर सब डिवीजन के 524 बच्चे जो हैं वो 5 गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, जिसमें प्रश्नोत्तरी 5 कैटेगरीज में, इसी तरह से मैथमेटिक्स ओलंपियाड 3 कैटेगरीज में और साइंस एक्टिविटी कॉर्नर 5 कैटेगरीज में जो है, और जो इनोवेटिव साइंस मॉडल है वो 1 कैटेगरी में जो है वो आयोजित किया जा रहा है। उपमंडल हमीरपुर बाल विज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ संजय ठाकुर उप शिक्षा निदेशक प्रारंभिक ने आज विधिवत रूप से किया, और यह बाल विज्ञान सम्मेलन 2 दिनों का है, 9 और 10 नवंबर को जो है इसका समापन जो है वो किया जाएगा।